क्योंकि 10 साल 3 बार बीजेपी सरकार बनी, इनने हमारा हक दबाया है। 1000 पेंशन जो इजाफा किया जनाब आज़ाद साहब ने किया है, इनने सिर्फ वेरिफिकेशन ही निकाले, हमारे बेवाओं ने चंदा निकाला तो कागजात बने, सिर्फ हर साल में हम वेरिफिकेशन हमसे लेते हैं तो पेंशन हमें कोई इजाफा नहीं हुई है। तो जनाब हमारे बेवाएँ, हमारे हैंडीकैप्ड, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जनाब आज़ाद साहब के लिए हम दुआ कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ाद साहब के कैंडिडेट जीत जाए। मोहम्मद इसहाक मलक मेरा नाम है, मैं गुंडो भलेसा का सदर हूँ, हैंडीकैप एसोसिएशन भलेसा से, डिस्ट्रिक्ट डोडा से। तो मैं जनाब जितने भी हमारे मजलूम लोग हैं, हम सब जनाब आज़ाद साहब कैंडिडेट को कामयाब यहाँ से बनाएंगे, असेंबली में भेजेंगे। वाहिद शख्सियत अगर है तो आज़ाद साहब, गरीबों की नुमाइंदगी करता है, गरीबों के लिए लड़ता है। तो हम तमाम गरीब आवाम, जितने भी हमारे हैंडीकैप्ड हैं, बेवाए हैं, ओल्ड एज, हम सब आज़ाद साहब के साथ हैं, क्योंकि 10 साल 3 बार बीजेपी सरकार बनी, इनने हमारा हक दबाया है। 1000 पेंशन जो इजाफा किया जनाब आज़ाद साहब ने किया है, इनने सिर्फ वेरिफिकेशन ही निकाले, हमारे बेवाओं ने चंदा निकाला तो कागजात बने, सिर्फ हर साल में हम वेरिफिकेशन हमसे लेते हैं तो पेंशन हमें कोई इजाफा नहीं हुई है। तो जनाब हमारे बेवाएँ, हमारे हैंडीकैप्ड, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, जनाब आज़ाद साहब के लिए हम दुआ कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आज़ाद साहब के कैंडिडेट जीत जाएंगे और आज़ाद साहब एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो हम जनाब आज़ाद साहब का शुक्रिया करते हैं, वेलकम करते हैं, आज़ाद साहब के लिए दुआएं करते हैं। और आज़ाद साहब से पहले हम सिपाही के तरफ लड़ रहे हैं जनाबी वानी साहब को यहाँ से कामयाब करने के लिए। हम बच्चे बच्चे, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के सब जितने भी लोग हैं, आज़ाद साहब के हमदर्द हैं। हम आज़ाद साहब के कैंडिडेट को अच्छी लीड में यहाँ जिताएँगे और असम्बली में भेजेंगे।